गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज स्माइल सॉल्यूशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा लोगों को रोग होता जा रहा है। अगर एक घर में 5 सदस्य हैं तो 5 में से 3 बीमार हैं। किसी को बीपी, किसी को डायबिटीज, किसी को टेंशन, किसी को गैस, किसी को कब्ज और कुछ नहीं तो मौसम के बदलने से किसी को जुकाम, किसी को खांसी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां बहुत लोगों को होती जा रही है। आए दिन कमाई का बहुत बड़ा पैसा हम डॉक्टर्स को देते जा रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर हम बात करें, बीपी कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। जिस जिस रोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपना अनुभव से कुछ ना कुछ बता देता है। हमारा मिशन भी यही है, कम पैसे में उसको उपचार मिल जाए, जड़ से बीमारी ठीक हो जाए। मैं अपने अनुभव से ये बात जो बता रहा हूं इसको आप भी अपने जीवन में कुछ दिन लगातार करके देखें, 40 दिन। मैं अब आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसको आप कंट्रोल अपने आप कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा नियम लिया कि ज्यादातर आपने देखा होगा कुछ बीमारियां दिन में ज्यादा होती हैं, कुछ बीमारियां रात में ज्यादा होती हैं। एलोपैथिक में जब हम बताते हैं कि मुझे दिन में बीमारी होती है, वो कहता है ये बीमारी रात को क्यों नहीं होती, ये तो आपकी अनोखी बीमारी है, ये तो डिप्रेशन है। कई बार आपने देखा होगा कुछ मावस में होती है, कुछ पूर्णिमा में होती है, बाकी दिनों में नहीं होती। ऐसी बीमारियां भी हैं। कुछ लोगों को जैसे ही मौसम बदलता है छींकें चालू हो जाती हैं। डॉक्टर बोल देते हैं ये तो डस्ट एलर्जी है, ये तो एलर्जी है। एलर्जी के अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग अनुभव। कुछ कहते हैं कि हमारी बॉडी में एल्काइन ज्यादा हो गया है, कुछ बोलते हैं मेरी बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं टेंशन है इसलिए हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है। सिंपल से फार्मूले से आप बीमारी कोई भी है अगर आप अपने हाथ को अपने मुंह के आगे रखें और श्वास को छोड़ें, एक बार फिर करें, ये श्वास गर्म थी या ठंडी थी, गर्म ही थी। इसी श्वास को देने का तरीका अलग कर लें, मुंह को चोच बना लें। अब ये श्वास ठंडी है करके देख लें। अब बॉडी के अंदर एक हमारा गर्म स्वर है जिसको हम राइट नोस्टल बोलते हैं, एक हमारा ठंडा स्वर है। इन दोनों को बैलेंस करना ही रोग मुक्ति है। अगर हम इस स्वरों को बैलेंस कर लें तो हमारे शरीर में रोग ना हो, हमारे सारे चक्रा बैलेंस हो जाएं, हमें रोग लगे ही नहीं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाए। यहां पर मैं अभी बात कर रहा हूं सिंपल हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो गर्म श्वासों को बाहर की तरफ छोड़ें, एक बारी में आप 20 बार छोड़ें और दिन में 2 बार ये प्रक्रिया जरूर करें। लगातार ये प्रक्रिया 20 से 22 दिन करें और अपने अनुभव से देखेंगे कि ये ब्लड प्रेशर अब है ही नहीं और कुछ दिन बाद ये गोली छूट ही जाएगी और फिर ब्लड प्रेशर से होने वाली और बीमारियां, जैसे कई लोग बोलते हैं अधरंग हो जाएगा, बीपी की गोली रोज खानी चाहिए, टेंशन डिप्रेशन बढ़ जाएगा और बहुत ऑर्गन वीक हो सकते हैं, लीवर किडनी हार्ट डायलिसिस, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां कहीं ना कहीं बीपी की वजह से भी हो सकती हैं। होगी नहीं, जब बीपी रही तो बीमारी नहीं। श्वास को पेट से बाहर छोड़ना है गर्म, जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट की जो नाभि है वो पीठे रीढ़ की हड्डी के साथ टच होती हुई फील हो और खुश होके करें। और जिनको लो ब्लड प्रेशर है उनको ठंडी श्वास को बाहर छोड़ना है एक बारी में 20 बार। कैसे? जब तक छोड़ते रहें, जब तक आपकी नाभि रीढ़ की हड्डी तक लग ना जाए और आपको लगे अब नहीं कर सकता, अब नहीं कह सकता पेट से श्वास, लगातार सुबह शाम करें। पर ध्यान रखें खाने के तुरंत बाद नहीं करना, खाने से पहले कर लें और जो नियम आप बनाएं या तो खाने के घंटे बाद या खाने से 10-15 मिनट पहले, उस नियम को लगातार करें और आप देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर दोनों को आप बैलेंस कर पा रहे हैं
और कई लोगों को हाई और लो दोनों होता है। उसके लिए आगे कैसेट में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है श्वासों के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।